किसी भी जमहूरियत में जो अकलियत होती है वह हमारी तरक्की का पैमाना होती है। अगर उनके मन में सुकून है, यकीन है और हिस्सेदारी की और इज्जत की गारंटी है, तो उस जमहूरियत को दुनिया में कोई भी ताकत आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। और ऐसे मुल्कों की तरक्की की गारंटी हर शहरी, हर नागरिक करता है और करती है। भारत में पिछले 66 साल में हमने अपने ताज़ा घावों को ध्यान में रखते हुए, जो तकसीम हुई, बंटवारा हुआ, उससे सबक सीखते हुए ये एक दूसरे से अहद किया था, कसम ली थी कि हम ऐसा मुल्क बनाएंगे जहां हर धर्म को आदर मिलेगा। यही तो गांधी की शहादत की वजह थी। आज फिर से अक्सरियत की तरफ से हो न हो, लेकिन अकलियत के मन में बहुत घबराहट है। उनकी शिक्षा, सियासत, रोजगार ही नहीं, उनके वक्फ बोर्ड, उनके मदरसों, उनके कब्रिस्तानों, उनके आस्था की जगहें यानी मजारों से लेकर मस्जिदों तक पर लालची निगाहें बढ़ती जा रही हैं। दोस्तों, आज हम सारे लोगों की ये जिम्मेदारी है कि आगे बढ़ करके सियासत की आड़ में जो हमले हो रहे हैं, जो साजिशें हो रही हैं, जो गैर जिम्मेदाराना हरकतें हो रही हैं, उनको रोकने वालों के साथ खड़े हों, खुद भी उस अहद का और उस मुहिम का हिस्सा बने। हमारे लिए इस समय माइनॉरिटीज़ के मन में पैदा हो रहे शक शुबह और जो उनके ज़िंदगी के कड़वे सच हैं, उनकी उपेक्षा करना खतरनाक होगा। एक बार अगर दिल दरक गया तो फिर कई पुश्तों को, कई नस्लों को अपना वक्त उसको संभालने में लगेगा। आइए हम माइनॉरिटीज़ के साथ हो रहे भेदभाव को अपनी जिम्मेदारी पर रोकें, जो माहौल बिगड़ रहा है उसको बेहतर बनाएं, जो सचमुच हमारी जिम्मेदारी है, हुकूमत की जिम्मेदारी है, अदालत की जिम्मेदारी है, दफ्तर और स्कूल की जिम्मेदारी है, मीडिया की जिम्मेदारी है, उसको पूरा कराने के लिए एक नागरिक ताकत की तंजीम बनाए, मूवमेंट बनाए। ये ज़रूरी है, क्योंकि आज आप इस बात की अनदेखी तो नहीं कर सकते हैं कि जब से केंद्र में एक नई सरकार आई है 2014 की लोकसभा चुनाव के बाद, तब से मुसलमानों, ईसाइयों और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के दिल में दरारें पड़ रही हैं। घटनाएं ऐसी हैं जिनको नज़रअंदाज करना मुश्किल है, और हरकतें ऐसी हैं जिनसे दिल में डर और गुस्सा दोनों पैदा होता है। इसमें उनको अकेला न छोड़ें। पूरा देश राष्ट्रीय एकता के लिए आज जो अल्पसंख्यकों के मन में घबराहटें पैदा हो रही हैं, उनको दूर करने की जिम्मेदारी लें। यही आज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है।